नौगांव और चंडीगढ़ पास के ग्रामीण घरों के बाहर से पानी का निकास नहीं होने के चलते मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर जिला कलेक्टर ने जल्द ही अधिकारियों से जांच कर पानी की समस्या से समाधान करने का आश्वासन दिया है। गांव के रहने वाले युवक ने बताया कि चंडीगढ़ पास में स्थित घरों के बाहर पानी भरा हुआ है और निकास करने के लिए कोई भी नालियां नहीं है। ऐसे में बारिश का पानी भी सड़कों पर जमा हो जाता है और ग्रामीणों को सड़कों पर निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण काफी परेशान हैं। पानी की निकासी के लिए स्थानीय सरपंच को काफी बार अवगत करवाया, लेकिन स्थानीय सरपंच भी लोगों के घरों के बाहर जमा पानी की निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि जिस जगह पानी भरा हुआ है वहां पर करीब 25 से 30 घर हैं और उन घरों के बाहर पानी जमा होने से मच्छर भी पनप रहे हैं। ऐसे में बीमारी फैलने की भी आशंका गांव में बनी हुई है। सर, हम जिला कलेक्टर से मिलने आए हैं, हम नौगावा से आए हुए हैं। हमारे घरों में पानी बड़ा पड़ा है, कोई आने भी देख के भी नहीं आ रहा सरपंच। पूरे गंदा पानी आ रहा है पूरे गांव का। वहाँ स्कूल के बच्चे छोटे छोटे रोज रोड क्रॉस कर रहे हैं और वो भी पानी झाग झाग के। कौन सा गांव? नौगांव। प्रॉपर नौगांव? हाँ, प्रॉपर नौगांव, चंडीगढ़ पास बैरीपुर रोड भी आ रहा है। वो गांव का पानी भी आ रहा है, पहले से बरसात का था, अब हुआ है गांव का पूरा बरसात का, पहले से गांव का पानी आ रहा है। निकास नहीं है, पानी निकास नहीं है, आगे अतिक्रमण कर रखा उन्होंने, खेत वालों ने बड़ी बड़ी डोर लगा रखी है, वो पानी फिर हमारे घरों में गुजरा और हमारे घरों में दरार तक आ गई है। नालियां नहीं है? नालियां भी नहीं है ढंग की। अच्छा, नालियां सफाई किए हुए नौ साल हो गए। तो सर पानी कम से कम आधे से ज्यादा, कम से कम 50 से 60 घर अभी भी प्रभावित है। ये परेशानी सर पिछले 8-9 साल से ही है, आज से नहीं है। हम ये सोच रहे थे सरपंच आज कर दे कल कर दे। कौन है सरपंच? वहाँ के राजीव से नहीं है। उसके पास गए थे? हाँ, उसके पास गए, वो बोल रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं पहले पानी सूखने दो जब काम होगा। भैया पानी तो वो गांव का पानी आ रहा है, बताओ कहाँ से सूखेगा? कलेक्टर साहब ने क्या? कलेक्टर साहब ने ये बोला कि जितनी जल्दी हो सके कार्यवाही होगी।